हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूँ ठीक ठाक मज़े में होंगे। मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आप लोग ठीक ठाक मज़े में हों। ये कि विंडो ऐसी थी, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? फैन तो चल रहा है, कंप्रेसर नहीं। तो क्या क्या इशू हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चलो मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ। पहले चालू करके देख लेते हैं। ये हमने देखो, ये वायर लगा रखा और स्विच ऑन कर, एम्पियर मीटर पर हमने मीटर रखा। हाँ पे चल रहा फैन, चल रहा फैन, कोई इशू नहीं, फैन सही है। अब करते हैं कंप्रेसर को, एम्पियर मीटर पे रहना। देखो ये कुछ भी ऑन नहीं हो रहा, कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा, मतलब कंप्रेसर को सप्लाई नहीं पहुंच रही है। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले कंप्रेसर को के टर्मिनल पे चेक कर लें, कंप्रेसर के टर्मिनल पे चेक कर लें, वहाँ पे इशू नहीं है। तो फिर उसके बाद अगर वहाँ पे फॉल्ट न मिले, वायर उठ जला न मिले, टर्मिनल के पास सब ठीक ठाक रहा, फिर हम सिलेक्टर स्विच खोलेंगे, ये वायरिंग बॉक्स खोलेंगे जिसमें ये नॉब लगी रहती है, स्क्रू लगे रहते हैं, खोल करके बाहर निकालें। बाहर निकाल करके देखें, कैपेसिटर चेक कर लें, थर्मोस्टेट चेक कर लें, कैपेसिटर चेक कर लें और ये सिलेक्टर स्विच। तो ज़्यादातर फॉल्ट ये आता है, टर्मिनल के पास आता है। तो चलो देर न करते हुए चलो वहाँ पे देखते हैं कि वहीं पे इशू नहीं है। टर्मिनल खोलने से पहले दोस्तों, सबसे पहले स्विच को बंद करेंगे, वायर को बाहर निकालेंगे, ये पहला काम। फिर उसके बाद हम टर्मिनल को चेक करेंगे, या तो स्विच ऐसी हो कि न्यूट्रल फेज दोनों बंद हो जाए। तो चलो मैं दिखाता हूँ, मुझे तो पता है, बहरहाल आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये इशू यहीं पे है, तो देखो ये इशू है। तो वो खुद तो जला ही जला है दोस्तों, वायर जरूर लेना, फिर हाथ लगाना। देखो ये खुद तो जला ही है और ये इसको भी जला रखा है। इसको अच्छे से हम करेंगे टेप और फिर करेंगे चालू। चालू करके देखते हैं, और कोई इशू तो नहीं, एक इशू तो मिल गया। ये तो यहाँ पे जला हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों हमने जैसे इसलिए को बाहर थोड़ा सा नीचे किया, देखो यहाँ पे भी वायर दोनों आपस हीट होके चिपक गए हैं। तो इसको हम अलग करके अच्छे से टेप करेंगे। न्यूट्रल फेस आपस में कहीं जुड़ना नहीं चाहिए, अगर जुड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ सकती है। तो चलो अब इसको जो है अच्छे से टेप ऑफ करके, इसको अच्छे साफ ऑफ करके इसकी क्लिप क्लिप लगाते हैं। हमने देखो ये कामन का जला हुआ है, तो इसीलिए हम ब्लैक हमने भी काट रखा है दूसरे से हैं। असल में यहाँ पे ऐसी बहुत ख़राब पड़ी है, उसी का हम काट करके लगा देते हैं। तो क्या करें, मजबूरी है ये, अब उसी में इधर का सामान उधर, उधर का इधर, ऐसे ही कर काम चलता है। ऐसा नहीं है क्लिप नहीं है, क्लिप है, लेकिन है तो रेडी है तो लगा दे रहे हैं, क्लिप है। तो चलो देर न करते हुए चलो इसको सही करते हैं। तो अच्छे से इसका ये जो है ना, अच्छे से टर्मिनल को अच्छे साफ़ करेंगे, खूब अच्छे साफ़ करके रिगमार से या इसको ड्राइवर से जैसे साफ़ हो साफ करके, फिर उसके बाद हम इसको चालू करते हैं। हाँ तो दोस्तों हम अच्छे से इसको कर लेंगे साफ। साफ करने के बाद और इसकी वायरिंग के बारे में अगर देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वायरिंग के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। और देखो ये कामन है, ये इस पर देख लो कवर पे, कामन स्टार्ट रनिंग CSR, कामन स्टार्ट रनिंग, ऐसे ही वायर हमारा लगा हुआ है। ब्लैक काला इस पर जो है कामन का है, और स्टार का ब्लू है, और रनिंग का रेड है। तो ऐसे ही हम वायर कनेक्शन लगाएंगे जैसे है। हाँ दोस्तों इसकी जॉइंट जो है ना, अच्छे से खूब टाइट रहे, लूज नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि एम्पियर ज़्यादा लेते हैं ये सब, फिर वो प्रॉब्लम फिर दोबारा आ जाएगा, क्योंकि जॉइंट हम अच्छे से करेंगे। तो पहले इसलू भी डाल देंगे, थोड़ा सेफ्टी रहता है इससे। तो दोस्तों
दो भाग में बांट करके अच्छे से ज्वाइंट लगाना है, टाइट फुट जितना टाइट रहेगा उतना अच्छा रहेगा। यहाँ से खोलना और दूसरी जगह से भले हो जाए, हाँ यहाँ से नहीं होना चाहिए ऐसा ज्वाइंट हो। अरे दोस्तों टेप अच्छे से मार करके फिर इसके बाद स्लू से कवर कर देंगे। हाँ न्यूट्रल फेस आपस में टच नहीं होना चाहिए। अरे दोस्तों जो ये जले हुए हैं इसको भी थोड़ा सा अच्छे से हम टेप कर देंगे। हाँ दोस्तों अब ये सी वाला देखो ये सी पे और स्टार्ट का ये हाँ स्टार्ट और ये रनिंग का, जैसे वायर लगा था वैसे ही लगाना। अभी हमने कवर कर दिया इसको, अब ये चलो चालू करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब चलो करते हैं चालू। ज़रूरी नहीं है कि बस फोल्ड यही मिला तो यही है ख़राब, हाँ और भी फोल्ड हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बस ये फोल्ड मिल गया तो बस सही हो गया। चलो फिर भी चलो चेक करके देख लेते हैं कि चालू होता है। ऐसे अभी एक और वीडियो बना के डाला था, यहाँ पे फोल्ड मिल गया था लेकिन अंदर से भी फोल्ड था, तो ऐसे ही होता है। चलो हाँ दोस्तों फैन और ये अब देखो कंप्रेसर, देखो कंप्रेसर स्टार्ट हो गया तो 9.23 ऐसे ही ले रहा है, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो गैस वो सब ठीक ठाक दिख रही है। रिटर्न उटन भी आएगा, रिटर्न भी ठंडा उंडा हो रहा है, ठंडा का कोई इशू नहीं, बस वही प्रॉब्लम था कंप्रेसर का, तो कंप्रेसर सप्लाई नहीं जा रही थी इसकी वजह से नहीं चालू हो रहा था। तो अब इसकी करेंगे सर्विसिंग, अच्छे से सर्विसिंग करके आयलिंग वोलिंग करके अच्छे से मोटर में, फिर उसके बाद जो डाल देंगे। तो हम ये काम वहीं पे कर सकते थे लेकिन हम बाहर निकाल रहे थे तो बहुत ज़्यादा छोटा वायर था, नहीं तो वहीं पे हम ऐसे तैसे काम वहीं पे कर देते हैं। तो ये सर्विसिंग भी करना था तो ये हुआ कि चलो निकाल के सर्विसिंग भी कर देंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। ओके गाइस थैंक यू। हाँ तो दोस्तों देखो ये एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, हीट हो रहा कंप्रेसर, मैं देखो ये अभी चेक किया हूँ, जैसे एम्पियर देखा ज़्यादा ले रहा है, हीट हो रहा कंप्रेसर में चेक किया, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा। तो इसी वजह से इसकी स्विच भी ख़राब हुई थी और टर्मिनल भी देखो इसी की वजह से गया था, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा। तो ऐसे ऐसे आते हैं फोन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।